अल्लाह स्टूडेंट्स इस सेशन में हम पाकिस्तान से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की केस स्टडीज़ को इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे लोगों ने अपने आइडियाज़ को इनोवेटिवली अपॉर्चुनिटीज में तब्दील किया ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिससे माशरे में तब्दीली लाई जा सके जो पहली केस स्टडी है वो है हाशू फाउंडेशन की हाशू फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पे आइडेंटिफाई तो करते हैं लेकिन हम देखेंगे कि ये किस तरह से सोशल एंटरप्रन्योर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को मीट करते हैं या नहीं करते जो आइडिया था हाशु फाउंडेशन का वो भी कोई बहुत नोवेल या यूनिक आइडिया नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जैसे पिछले सेशन में मैंने जिक्र किया जहाँ पे पॉवर्टी है जहाँ पर लो इनकम लोग हैं बेशुमार और उनमें से बहुत सारे यंग लोग हैं और ख़वान हैं वहाँ पर औरतों और यंग लोगों की एम्पावरमेंट थ्रू सोशो इकनॉमिक कप लिफ्ट जो है वो कोई नोवल आइडिया नहीं है मैं भी इस बारे में सोचती हूँ आप भी सोचते हैं आ, हमारे सियासतदान हमारे बड़े सब इस बारे में सोचते हैं सबके पास कोई ना कोई आइडिया है लेकिन कितना इनोवेटिवली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं दैट मेक्स हाशु फाउंडेशन नंबर वन ऑन माय लिस्ट जो इनोवेशन हाशु फाउंडेशन ने की है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ही यूनिक लेकिन बेहद रेलेवेंट है उन्होंने जो अपना एम्पावरमेंट का आइडिया है उसको इनोवेट किया कि वो नॉलेज को लेवरेज करेंगे एम्पावरमेंट के लिए वो पैसे नहीं देंगे वो ग्रांट्स नहीं देंगे वो नॉलेज क्रिएट करेंगे और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूटिलाइज करेंगे ये इनोवेशन थी जिसकी वजह से मुझे आशु फाउंडेशन जो है उसको मैंने चुना वट डू वी मीन बाय लिवरेजिंग नॉलेज इसका मतलब है कि आप बजाय लोगों को मछली बांटने के उन्हें मछली का शिकार सिखा देते हैं कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी मछली शिकार करने का नॉलेज है और बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं जिन्हें खुराक की ज़रूरत है उन्हें सीखने की ज़रूरत है कि मछली कैसे पकड़ते हैं तो इस तरह से आशू फाउंडेशन ने एक पूल एक्सपर्ट्स का वो इकट्ठा करते हैं हमेशा अपने पास रखते हैं उसमें रिटायर्ड टीचर्स एक्डेमिक्स एक्सपर्ट्स ब्यूरोक्रेट्स, मख्तल किस्म के जो फील्ड के लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट उसमें वो शामिल होते हैं वो वलनटेली अपनी सर्विस देते हैं वो ईशूज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और जो टारगेट ग्रुप्स हैं जैसे औरतों के लिए ट्रेनिंग नीड्स मुख्तु हो सकती हैं यंग लोगों के लिए मुख्तफ अरबन एरियाज़ में कुछ और ट्रेनिंग नीड्स होंगी और देहाती दूर दराज इलाक़ों में कुछ और तो वो जो पूल ऑफ एक्सपर्ट्स है वो लोगों की टारगेट पापोलेशंस की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें नॉलेज ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ रेलिवेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आशू फाउंडेशन की एक पूरी रेंज है जो कोर्सेस की और इसके अलावा वो लोगों को स्पेशली यंग लोगों को स्कॉलरशिप्स देते हैं मुख्तफ़ किस्म के नॉलेज को हासिल करने के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए ये वो की इनोवेटिव स्टेप है जिसके ज़रिए से हाशू फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान के फार फ्रंग रूरल एरियाज़ में बल्कि अर्बन एरियाज़ में दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस उसमें औरतें उनके ग्रुप्स हैं यंग लोगों के ग्रुप्स हैं बच्चों के कम्युनिटी मेंबर्स के मिक्स ग्रुप्स हैं कहीं पे टूरिज्म की क्योंकि हाशू फाउंडेशन जो है वो हाशु ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है तो टूरिज्म इनके होटल्स हैं आपको शायद पता हो मैरियट पर्ल कॉन्टिनेंटल तो टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ट्रेनिंग्स ये फ्राहम करते हैं यंग लोगों को और फिर अपने होटल्स में उनको जॉब्स भी फ्राहम करते हैं एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसी तरह ख़वात जो दूर दराज इलाक़ों की जैसे चित्राल है सवात है जो आप सोच भी नहीं सकती घर से निकलने का उनको हनी बी फार्मिंग और इस तरह के काम जो वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए कर सकते हैं उनकी ट्रेनिंग उनका साइंटिफिक नॉलेज और उनको मार्केट करने के तरीके कार सिखाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें अपॉर्चुनिटी जो है वो किस तरह क्रिएट की हाशू फाउंडेशन ने सिंपल अगेन जैसे इनका आइडिया नोवेल नहीं है इसी तरह अपॉर्चुनिटी में हम कह सकते हैं कोई खास बात नहीं है वो इस तरह से कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट आ, जो हैं हाशु ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ उनकी सोशल कॉपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो वो स्पेंडिंग करते हैं वो हाशु फाउंडेशन के ज़रिए से करते हैं इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हम देखेंगे कि हाशू फाउंडेशन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पर एक्चुअली पूरा भी उतरती है यहाँ पर आकर उनके पास पैसे जो हैं वो अपने बिज़नेस के प्रॉफिट में से आते हैं और वो उसको चैरिटेबल परपज के लिए खर्च करते हैं या कर सकते हैं यहाँ पे आके थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कोई स्टैंडर्ड सोशल एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव जो होगा वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए उनका फोकस जो है वो प्रॉफिट्स के ऊपर किसी ना किसी हद तक ज़रूर होगा लेकिन चूंकि उन्हें इस किस्म का कोई कंसर्न नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे सस्टेन कैसे करना है अगरचे नॉलेज ट्रांसफ़र जो है वो खुद सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है कि जब आप लोगों को बजाय वक्ती रिलीफ़ देने के किसी काम के लिए नॉलेज या स्किल ही ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो सस्टेनेबल हो जाता है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आकर हाशु फाउंडेशन किसी और स्टैंडर्ड एंटरप्रेन्योर से थोड़ा सा डिफरेंट है कि उनकी जो फंडिंग या फाइनेंसिंग है वो हाशु ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से आती है और उनकी जो अप्रोच है वो बहुत अरसा तक किसी हद हाँ तक चैरिटेबल और फिल्म्रॉपिक रही है 2017 ऑनवर्ड्स हाशु फाउंडेशन ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस किया और अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हाशु फाउंडेशन एक बड़ा नाम है इनफेक्ट 2021 का जो ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड है तीन अवार्ड्स हाशु फाउंडेशन को मिले हैं इनोवेशन के ऊपर उनके सोशल एंटरप्रेन्योरियल कंट्रीब्यूशन के ऊपर और पाकिस्तान में यंग और वेमेन जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज ट्रांसफ़र थैंक यू